आपके सुप्रीम पावर न्यूज चैनल पर। समझौता नहीं पहल चाहिए। सुप्रीम पावर न्यूज को आपके मिल रहे प्यार और स्नेह के लिए सुप्रीम पावर न्यूज की पूरी टीम आपकी आभारी है। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए ले चलते हैं आपको आज की ताज़ातरीन खबरों। खबर मध्य प्रदेश के मुरैना से। स्टेशन रोड थाना पुलिस ने मुरैना पुलिस अधीक्षक ललित साकिवार के निर्देशन में एक सनसनीखेज कुल लूट की वारदात का पर्दाफाश किया। एक ई रिक्शा में बेरियल चौराहा से तीन सवारी बनकर लालोर गांव तक जाने तक का ई रिक्शा चालक से सौदा तय किया। लालोर गांव पर पहुंचकर सुनसान इलाके में ई रिक्शा और चालक के जेब में रखे पैसे और मोबाइल लूट कर आरोपी भाग खड़े हुए। तभी ई रिक्शा चालक ने स्टेशन रोड थाना पहुंचकर अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई। उस पर से पुलिस ने साइबर सेल की मदद से पुलिस ने सनसनीखेज लूट की वारदात का पर्दाफाश किया। पुलिस ने एक लूट के आरोपी को गिरफ्तार कर ई रिक्शा, लूटा गया मोबाइल और उसके पैसों को बरामद करने में सफलता अर्जित की। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए मुरैना से विष्णु पंडित की रिपोर्ट। क्या मामला, ये कहां से किया था? इसमें 14 अगस्त की शाम को एक राजू कुशवाहा नामक ई रिक्शा चालक है, जौरी गांव के रहने वाले हैं। इनको कोई तीन सवारी मिली इस बात को कहकर कि उन्हें लालौर तक जाना है और किराए की सौदा होने के उपरांत में वो बैरियल किराए से इनको लेकर के चले। लालौर फाटक निकलने के बाद में उन तीनों के द्वारा एक कच्चे दगरे पर डाल दिया गया उस रिक्शा को, इस रास्ते से चलना है। थोड़ा अंधेरे माहौल को देखते हुए उन तीनों ने रिक्शा चालक से उसका रिक्शा छीन लिया, उसको दरा धमका के मारपीट करके उसके पैसे और मोबाइल छीन लिए। इसके संदर्भ में थाना में अपराध क्रमांक 521 पंजीबद्ध किया गया और मामला पंजीबद्ध होने के बाद में विवेचना में आने के उपरांत जो मोबाइल चोरी गया था उसमें साइबर सेल की मदद ली गई और करीब 2 अक्टूबर को साइबर सेल ने हमको ये स्पष्ट किया कि उक्त नंबर पर एक चोरी गए मोबाइल पर एक नया नंबर चालू हुआ है। पर्याप्त तो संभव है कि वो उस चोर का, लूट करने वाले व्यक्ति का हो, जिसकी तस्दीक आज की गई। संदेही को पकड़ा गया, पकड़ने के बाद उसने स्वीकार किया कि उसके साथ उसके 2 अन्य मित्र और जो उसके समाज के ही हैं।